संभल में सपा दलित नेता और उसके बेटे की सरेआम गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश में प्रधानपति और उनके बेटे की गोली मारकर हत्या। सनसनी हत्या के पीछे मनरेगा के तहत बनाई जा रही सड़क का विरोध। छोटेलाल दिवाकर को समाजवादी पार्टी ने बीते विधानसभा चुनाव में चंदौसी विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया था, हालांकि बाद में ये सीट गठबंधन खाते में कांग्रेस के पास चली गई। गांव के ही दबंग हैं दोनों सर्वेश और जितेंद्र। पुलिस दबिश दे रही है। जनपद संभल के बेजोई थाना इलाके के शमशोई गांव में मंगलवार सुबह समाजवादी पार्टी के दलित नेता और उनके बेटे की सरेआम गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे मनरेगा के तहत बनाई जा रही सड़क का विरोध बताया जा रहा है। गांव के ही कुछ दबंग इस सड़क का विरोध कर रहे थे। दिन निकलते ही हुई सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड के बाद पुलिस अधीक्षक के साथ ही आईजी भी मौके पर पहुंचे। हालांकि हत्यारोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर। समाजवादी पार्टी के नेता छोटेलाल दिवाकर की पत्नी गांव की प्रधान है, ऐसे में उनका भी ज्यादातर काम छोटेलाल दिवाकर ही देखते थे। छोटेलाल दिवाकर मंगलवार की सुबह अपने बेटे सुनील दिवाकर के साथ गांव की आबादी के बाहर मनरेगा से बन रही सड़क का जायजा लेने गए थे। आरोप है कि इसी दौरान गांव के ही कुछ दबंग वहां पहुंच गए और आगे अपने खेत होने का हवाला देते हुए सड़क निर्माण का काम आगे न बढ़ाने की हिदायत दी। जब छोटेलाल दिवाकर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तब दबंगों ने छोटेलाल दिवाकर की गोली मारकर हत्या कर दी। बेटे सुनील ने जान बचाकर भागने का प्रयास किया, लेकिन हत्यारों ने उसे भी गिराकर मौत के घाट उतार दिया। इन दोनों हत्या में सर्वेश और जितेंद्र के चार लोग और हैं, ग्राम के ही दबंग हैं। पुलिस ने तीन टीम बनाई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। छोटेलाल दिवाकर को समाजवादी पार्टी ने बीते विधानसभा चुनाव में चंदौसी विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया था, हालांकि बाद में यह सीट गठबंधन खाते में कांग्रेस के पास चली गई थी और छोटेलाल चुनाव नहीं लड़ पाए थे। छोटेलाल इस समय चंदौसी विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। आप भी मौके पर आएंगे तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इसमें ये कहना चाहूंगी, गांव में छोटी छोटी बातों को लेकर मानसिक संतुलन इतना बिगाड़ देते हैं जिसके वजह से ये सब वारदातों के लिए अंजाम मिलता है, और ये नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ पुलिस जितनी सख्ती से सख्त कार्रवाई हो सकती है उतना पुलिस करेगी। अच्छा, परिजन कुछ पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अब इस समय जब चूंकि एक परिवार के दो लोग खत्म हुए हैं, तो परिजन कोई भी सवाल उठा सकते हैं, उनके सवालों को रोका नहीं जा सकता। तो इसमें आप कार्रवाई के लिए क्या निर्देश देंगे? अरे, जब दो हत्याएं की गई हैं, तो इसमें कार्रवाई में संदेह क्यों है कि कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये बताइए आप। पुलिस पूरी कार्रवाई करेगी और जो दंड मिलना चाहिए वो कानून के आधार पर मिलेगा। कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि उससे कोई नहीं बच सकता, कहीं पर भी नहीं बचा जा सकता, ये आप विश्वास रखिए। और मैं सबको आश्वस्त करती हूँ, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, कि जो व्यक्ति अपराधी है, जो जिस व्यक्ति ने कोई वारदात को अंजाम दिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उस कार्रवाई से उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो मर्डर हुए हैं, ये क्या मामला है पूरा? देखिए, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तो ये कोई नया काम नहीं हुआ है। किसी जाति, ओबीसी हो, पिछड़ी जाति के लोग हों, माइनॉरिटी के लोग हों, यादव समाज के, ये तो जब से 2017 से बीजेपी की सरकार बनी है ये लोग टारगेट पे हैं, और आज इसी का नतीजा समछोई गांव में छोटेलाल दिवाकर और उसके बेटे सुनील की हत्या। खूब आप लोग भी जानते हैं, मैं बताऊंगा, कोई नई बात नहीं होगी। 5 साल के अंदर अभी कितनी हत्याएं बाकी रह गई हैं, ये मेरा सवाल बीजेपी के लोगों से है कि वो बताएंगे कि अभी कितने लोगों को और मारना बाकी रह गया है, निर्दोषों को जो गाँव में काम करा रहे हैं, प्रधान शरीफ लोग हैं, तो ये उनका कब तक सफाया करते हैं? ये बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा इस मामले में। दोषियों को कार्रवाई दिलाने के लिए आप लोग नहीं, एनआईसी लगनी चाहिए। अब तो कार्रवाई भी देखेंगे हम, क्योंकि पुलिस ही अब 2 घंटे बाद आ रही है, तो उसकी कार्रवाई पे क्या भरोसा करेंगे? तो कहीं ना कहीं मानते हैं पुलिस की कार्यप्रणाली। पुलिस 2 घंटे बाद क्यों आई, मुझे जवाब देना। प्रशासनिक व्यवस्था इस बात का जवाब दे के 2 घंटा लगता है समझो आने में, जहाँ हेडक्वार्टर 2 किलोमीटर हो, 3 किलोमीटर हो, तो वहां से आने में 2 घंटे पुलिस को लगेंगे, तो इसका मतलब ये कहाँ निशाना है? और वार्ता होने में 1 घंटे पहले फोन कर रहे हैं प्रधान और पुलिस वाली, 1 घंटा पहले सूचना दे दी गई है, और ये नई बात थोड़ी है, ये तो बहुत दिनों से चल रहा था। वो प्रत्याशी रहा है मेरा, पार्टी का सच्चा वफादार है, हमारी पार्टी का प्रधान है, उसकी बीवी प्रधान होना क्या जुर्म है बीजेपी की सरकार में? क्या आपने पार्टी के हाईकमान को इस बारे में? मैंने राष्ट्रीय नेतृत्व अवगत कराया है सुबह पार्टी के सांसद और विधायकों को भी, और इसमें भारतीय जनता पार्टी देखते हैं किस लेवल से कार्रवाई करती है। हालांकि कार्रवाई अब तक 4th साल सरकार को चल रहा है, आखिरी सांस वेंटिलेटर पर सरकार चली गई है, लेकिन आखिरी वक्त तक ये लोग बाज नहीं आ रहे जो सरकार में शामिल लोग हैं। ये चाह रहे हैं कि इनका सफाया कर दें, लेकिन जनता इनका सफाया कर देगी निश्चित, ये बात तय है। आज समसोई गाँव में इस बात की नज़ीर है कि बीजेपी का क्या हाल है। अब कुछ नहीं, लूटने को बीजेपी के लोग आ जाए, उससे कोई फायदा तो है नहीं, जनता जानती है।
तो एक गांव में डबल मर्डर हुआ है, ये क्या रंजिश की वजह है, पूरा मामला क्या है? ये प्रधानपति छोटेलाल दिवाकर और उनके लड़के सुनील थे, और दूसरा पक्ष समिंदर और उनके साथ तीन चार लोग थे, जो ये मनरेगा की सड़क बन रही है गांव के बाहर, इसको लेकर के विवाद हुआ जिसमें गोलीबारी हुई, जिसमें प्रधानपति और उनके लड़के को गोली लगी और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। उनको अभी पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है, तहरीर लेकर के मुकदमा लिखा जा रहा है, और इसमें हमने तीन टीमें बनाई है जो कुछ लोगों को उठाया भी है, गिरफ्तारी इसमें तत्काल सुनिश्चित की जा रही है। सर मृतक क्या किसी पार्टी संबंधित व्यक्ति बताए जा रहे हैं? अभी इसकी जानकारी दी जा रही है। बैजोई थाना क्षेत्र के समसुई गांव में एक मनरेगा की सड़क बन रही थी, जिसको लेकर के पूर्व प्रधानपति और सविंदर नाम के व्यक्ति के बीच में विवाद हुआ। यहां पे फायरिंग हुई जिसमें दो व्यक्ति की गोली लगी है, मौके पे मृत्यु हुई है, जिसमें एक छोटेलाल दिवाकर और दूसरा सुनील उसका पुत्र है, इन दोनों की मृत्यु हो गई है। इन दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, तहरीर लेकर के विधिक कार्रवाई की जा रही है, तीन टीमें बनाई गई हैं, गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है तत्काल। इसमें कुछ लोगों को हमने उठाया भी है और उनसे पूछताछ जारी है, और FIR लिखते ही हम उसमें विधि कार्रवाई करेंगे।